हाय, आई एम अमित सिन्हा, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैं लास्ट 7 ईयर्स से जेई और एई के बैचेस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने मोर देन 100 बैचेस पढ़ाए हैं और सिलेक्शन रेशियो मोर देन 1000 रहा है, जो डिफरेंट जेई एई एग्जाम्स में क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं। तो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए जेई और एई के बैचेस। अब आपके लिए होगा सर्किट थ्योरी और मशीन जैसे सब्जेक्ट बहुत ही आसान। और देखिए मेरी डेमो क्लास ऑन 6th of December। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका SSC अड्डा अड्डा 24/7 पर, जहां पर हम लोग आपसे कहते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी है अड्डा की जिम्मेदारी। जी तो भाई, बहुत सारे बच्चे यहां पर आ चुके हैं, बहुत सारे लोग मुझे विश कर रहे हैं, सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत विश है इस अच्छी सी इवनिंग की। तो क्या करने वाले हैं आज हम लोग, डिफिकल्ट वर्ड्स को याद करने वाले हैं ना। तो भाई आप लोगों को पता है आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हमारे वर्ड से जुड़ी हुई है ना। तो क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, हर क्वेश्चंस में 4-4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, एंड उसके बाद मैं आपको इसके बाकी के तीनों ऑप्शंस के मीनिंग भी बताऊंगी, ठीक है जी। सो यू मस्ट बी रेडी बिकॉज आई एम। हाँ भैया, थोड़ा सा लेट हो जाता है, अब क्या करें यार, आपके दासू सर से आप इतने प्रेम से पढ़ते हैं तो उनको बीच में रोकने का मन नहीं कर रहा, सोच रहे हैं क्लास को 10 मिनट का टाइम लेट ही रख लें आप जी। तो अजय, वेरी वेरी क्रिएटिव एंड फनी टू। गुड इवनिंग आकाश, अशोक रॉयल जी, मुद्रिका यादव, आर्यन राज, दीपिका, सप्तऋषि मंडाल, धारा, मुकेश, दीपिका, चंदू प्रिंस एंड हमारे ममजू, अच्छा मैं मजनू भाई पढ़ने वाली थी, एंड जितने भी लोग यार ऊपर रह गए, मयंक कुशवाहा, अंजलि, निशि, ज्योति, विजेता, विवेक, अंकित, विनोद, इरफान एंड ऑल, बहुत बहुत स्वागत है भाई सबका। जल्दी से क्या करना है, जल्दी से सब बच्चों को तैयार हो जाना है, क्या करने के लिए, क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए तो रिक्वेस्ट करेंगे अपनी टेक्निकल टीम से कि सर प्लीज़ आप हमें ले आइएगा हमारे पेज पर जी। सब लोग रेडी, क्या बात है भैया, मैं भी रेडी हूँ कंप्यूटर जी, थैंक यू सो मच। देखिए क्या लिखा है, लिखा है आज भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर, कभी लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। और इट्स अ वेरी मतलब जस्ट अमेजिंग थॉट, मैं थोड़ा सा सोच के देखो कि लिटरली अगर आज कोई ऐसा है जो आपको कह रहा है नहीं भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाएगे, अरे कहने दो, लेट देम डू, बट अगर आप में वो अगर वो जज्बा है, आप में अगर वो करने की फीलिंग आपको लगता है कि आप कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन डू। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जितना भी टाइम मैंने अभी तक दिया है पढ़ाने में, या फिर मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हैं और जिनको हमें देख के लगा कि भैया ये पर्टिकुलर बच्चा या बच्ची बहुत मेहनत कर रहा है, डेफिनेटली आज वो किसी ना किसी गवर्नमेंट फॉर्म में बैठा हुआ है। सो गाइज, यू ऑल विल बी वन ऑफ देम जो बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब को पाने वाले हैं, ऐसा मेरा विश्वास है, और साथ ही साथ मेरी अच्छे विशेष भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। चलिए तो चला जाए, शुरू किया जाए। हाँ, सो बीइंग अ टीचर एंड यू कैन से सिस्टर टू आप लोगों को, भाई ये मेरी क्या है, ये मेरी आप लोगों के लिए कामना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये आ गया है भाई, क्या लिखा है, लिखा है अक्वेरल सम वुमेन। हमारे पास एक लाइन है अक्वेरल सम वुमेन, एंड हमें बताना है कि इन चार में से आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ये आप देख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, बताइए आपको क्या लगता है, ठीक है। अभी टाइमर नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें हर एक वर्ड को समझना भी है। थैंक यू राकेश जी, रामवीर, वेरी वेरी गुड इवनिंग, यू वेलकम। चलिए क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से सीरियस होके लग जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक और लेकिन सवाल है मेरे पास में, अभी पूछेंगे, पहले आप बताइए। ओके, तो आदर्श कह रहे हैं कि मैम ऑप्शन नंबर बी शुड बी द आंसर। ओके 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 ओके, कुछ कह रहे हैं मैम वन होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि मैम शायद डी हो सकता है। कुमार सानू जी, जय श्री कृष्णा, जयंती भोगा, ओके
राजू नगर कह रहे मैम इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए. अशोका कह रहे मैम सी होना चाहिए. जैन टिप्पी होना चाहिए. आप में से किसी को पता है कि जो पहला ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये जैन टिप्पे क्या है? ये जैन टिप्पे क्या है? किसी को पता है जैन टिप्पे क्या? एक बहुत ही बढ़िया से यहाँ से आज आपको एक बात पता चलने वाली है. अगर नहीं पता है, आप सभी ने सोक्रेट्स या फिर सुकरात का नाम सुना है ना, सभी लोगों ने, जो हमारे सुकरात थे या जिन्हें इंग्लिश में सोक्रेट्स कहते हैं, उन सबका नाम सभी लोगों ने सुना है ना. तो सुकरात की जो वाइफ थी, उनकी वाइफ जो थी उनका नाम था जैन टिप्पे. उनका नाम था क्या? जैन टिप्पे. और जो जैन टिप्पे थी वो अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी, क्योंकि उनको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था. इसलिए जो जैन टिप्पे हैं वो सोक्रेट्स की वाइफ हैं, सोक्रेट की वाइफ हैं, एंड उन्हीं को एक हाई टेम्पर्ड वुमेन भी कहा जाता था. इसलिए जो इसका ऑप्शन नंबर वन आप देख रहे हो ये इसका करेक्ट आंसर है. बात करते हैं ऑप्शन नंबर टू की. एस्टर क्या है? एस्टर इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर, एक प्रकार का फूल होता है भाई. एस्टर का फूल आता है जिसे लोग अपने बुके बनाने में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. कैल्डेरा, देखिए व्हाट इज कैल्डेरा? कैल्डेरा होता है जब एक बड़े से एरिया में एक बड़ा सा ऐसे गड्ढा बन जाता है जिसमें पानी भर जाता है, स्पेशली वॉल्केनो की वजह से या किसी भी नेचुरल आपके डिजास्टर की वजह से, तो उसको कैल्डेरा कहा जाता है. ठीक है, हिंदी में भी इसको कैल्डेरा ही कहते हैं. ठीक है, कैनोपी क्या होता है? कैनोपी आपको पता होगा लोग अपने एडवर्टीजमेंट के लिए एक ऐसे वो बना लेते हैं, एक ऐसे टेंट सा बना लेते हैं, और वहाँ पर लोग अपने पैम्फलेट्स वगैरह देते हैं कि ताकि लोगों की चीज़ को प्रमोट किया जाए. उस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट के वे को कैनोपी कहा जाता है. ठीक है जी, क्वेरलसम का मतलब हो जाएगा जो बहुत जल्दी जल्दी झगड़ा करती है, उसको क्वेरलसम कहेंगे, ऋषि भारद्वाज. ठीक है जी, हाँ, एस्टर के पिंक फ्लावर्स बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. यू आर राइट, बिल्कुल सही. कुमार सानू जी, क्लास का टाइम इज 9 PM SSC CGL एंड ऑल माई लवली स्टूडेंट्स. मैं आपको बता दूँ कल 12 बजे मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ स्पेशल क्लास CGL प्री मेन्स एंड CHSL तीनों के लिए. और आपको पता है CPO एग्जाम भी मंडे को आने वाला है जिसमें हम करेंगे 100+ एरर डिटेक्शन. तो आप लोगों को कल मुझे मिलना होगा. ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू के बारे में. अ स्मॉल टाउन विद इन अ टाउन विद इट्स ओन गवर्निंग काउंसिल, एक छोटा सा टाउन जिसका खुद का एक टाउन है और उसकी खुद की गवर्निंग काउंसिल है, उसे क्या कहा जाएगा? थैंक यू आर्यन राज. क्या लगता है, मतलब क्या बोरो होना चाहिए, कॉन्वे हो, सॉरी कॉन्वो होना चाहिए, सेनोटेप होना चाहिए या फिर सीलिया होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ओके, बहुत बढ़िया, क्या बात है. CADDD. ओके, कुछ कह रहे हैं कि मैम सेनोटेफ इसका आंसर होना चाहिए. तो चलिए चेक किया जाए क्या होना चाहिए. ये आपसे कह रहे हैं कि हिंदी में, राकेश, ये आपसे कह रहा है कि एक ऐसा छोटा सा जगह जहां पर उसी खुद की ही गवर्निंग काउंसिल हो, लाइक उसका खुद का ही, राज चलता हो, या फिर उससे कहीं और जाके अपने लीगल डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है. चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या है. तो जो लोग कह रहे हैं कि सेनोटेफ इसका आंसर होना चाहिए, इसका आंसर सेनोटेफ बिल्कुल भी नहीं है, इसका आंसर है बोरो. तो बोरो एक वो छोटा सा स्मॉल टाउन होता है जिसमें उसकी खुद की गवर्निंग काउंसिल होती है जो किसी डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंडेंट नहीं होता है. बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं. व्हाट इज कॉन्वो? तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, शायद आप लोगों को पता होगा. कॉन्वो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ शिप्स, जो जहाजों का जो समूह होता है, स्पेशली जो हमारी फोर्सेस के द्वारा यूज किया जाता है उसको कॉन्वो कहते हैं. ठीक है, व्हाट इज सेनोटेफ? तो देखो इसका मतलब ही जब भी आ जाए तो समझ लेना कि ये हमेशा आपसे शिलाओं के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, तो सेनोटेफ का मतलब हो जाता है क्या, जहां पर आप लोग बात करते हैं मॉन्यूमेंट्स के बारे में, वो भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो किसी के डेथ पे बनाए जाते हैं या फिर जहां पे किसी को बरीड किया जाता है, मतलब जहां पे किसी को दफनाया जाता है. अब जैसे हुमायूं का मकबरा है ना, तो वो एक प्रकार का सेनोटेफ है. वहां पे क्या है, वहां पे उनका मकबरा बना हुआ है. ठीक है, तो आप क्या याद करें कि मॉन्यूमेंट
टू समवन हु वाज बरिड देयर. बरिड का मतलब तो जानते हैं, जो वहां पर बरिड किया गया हो उसका जो मॉन्यूमेंट होता है उसको सेनोटेफ कहते हैं. व्हाट इज सीलिया? तो सीलिया क्या होता है, इट इज अ, आप इसे कह सकते हैं कि इट इज अ काइंड, भाई मतलब एक ब्रांच होती है जिसमें लंग्स के बारे में पढ़ा जाता है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, मतलब इट इज रिलेटेड टू लंग्स. या आप कह सकते हैं कि लंग्स का एक ये एक फंक्शन होता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ लंग्स. हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं उनका एक फंक्शन होता है जिससे क्या कहा जाता है, जिसको सीलिया कहा जाता है. ठीक है जी, कोई बात नहीं रामवीर, गलत हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगला वाला सही करना है. ठीक है जी, आगे बढ़ लिया जाए. चलिए नहीं, नोवोदास इसे हम स्टैच्यू नहीं कहेंगे, इसे हम लोग मॉन्यूमेंट कहेंगे. मॉन्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इमारतें जो होती हैं वो. ठीक है, चलिए नंबर 3, पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन. वो व्यक्ति जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहा जाता है. राकेश हिंदी में समझा रही हूँ, कितना हिंदी में समझाऊं भाई, सवाल थोड़ी हिंदी में ले आऊंगी. देखिए आपके लिए टाइमर भी लगा दिया है कंप्यूटर जी ने. बहुत सारे सवाल है, अच्छे से करो आप लोग बस. हाँ सुरुचि, आई कैन सी योर कॉमेंट, डोंट वरी. ओके, कुछ कह रहे हैं कि मैम इसका आंसर प्रज्ञान होना चाहिए. क्या बात है, मतलब बिल्कुल श्योरिटी से आंसर आ रहा है कि मैम फर्स्ट वाला ही इसका करेक्ट आंसर है. वेरी गुड, मतलब पेगन आप इसका सही आंसर बता रहे हो. ठीक है पेगन, पेगन पेगन कुछ कह रहे हैं कि मैम ड्रेपर भी इसका आंसर हो सकता है. ओके चलो चेक करते हैं. जो लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर ड्रेपर हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि ड्रेपर वो लोग होते हैं जो टेक्सटाइल के फैब्रिक्स में डील करते हैं. कौन होते हैं, जो हमारे टेक्सटाइल कपड़ा रिलेटेड जो चीजें होती है, तो जो उसके फैब्रिक में जो डील करते हैं ना, जैसे एक तो होता है कि भैया बने बनाए कपड़े बेचना, एक होता है कि उसका कपड़ा बेचना, तो जो टेक्सटाइल के फैब्रिक में जो डील करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, उनको हम लोग ड्रेपर कहते हैं. ठीक है. हाँ, व्हाट इज क्रेवाइस? देखो क्रेवाइस का मतलब होता है जब किसी भी बिल्डिंग में या फिर जब किसी भी इमारत में जो दरार जो पड़ जाती है उसको क्रेवाइस कहा जाता है. ठीक है. व्हाट इज क्रेडो? क्रेडो का मतलब होता है बिलीफ, बिलीफ या फिर लाइक सिद्धांत और विश्वास जो होता है ना. एक बात देखो, ये कहाँ से है, ये वर्ड आया आपका क्रेडेंस से. क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, अब जैसे जब आपको एटीएम मिलता है ना, तो एटीएम में आप लोगों को क्या मिलते हैं, आपको क्रेडेंशियल्स मिलते हैं, मतलब आईडी और पासवर्ड मिलते हैं. तो वो आईडी और पासवर्ड आपके क्या होते हैं, आपके विश्वास के लिए होते हैं कि भाई आपको इसे किसी को बताना नहीं है, आपको इसे किसी को देना नहीं है. सो क्रेडो इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ बिलीफ या किसी भी चीज में विश्वास होना. बचा हमारा इकलौता वर्ड पेगन, और पेगन का मतलब होता है अथीस्ट. अब आपको पता है अथीस्ट क्या होता है, अथीस्ट हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे जो नास्तिक होते हैं, जो किसी में भी विश्वास नहीं करते हैं. किसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा आस्तिक का. आस्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आस्तिक को इंग्लिश में कहते हैं थीस्ट होना. ठीक है जी, आगे बढ़ लिया जाए. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. यस ठीक है, आगे बढ़े. हाँ विश्वास होना, ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. बट उसके पहले एक काम करना है, जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, सभी लोग मिलके क्या करेंगे, सभी लोग लाइव चैट के ऊपर जाके एक बार क्या कर देंगे, एक बार लाइक कर देंगे. देख रहे हैं 150 लाइक है, केवल 63 है ना, तो क्या करना है, जल्दी से आपको लाइव चैट के ऊपर जाना है और जाके एक बार से लाइक कर देना है. ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, इतनी अच्छी अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो लाइक तो आपका बनता ही है ना. डन, मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से एक एक बच्चे ने लाइक कर दिया होगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज फियर ऑफ डार्कनेस. अंधेरे का जो डर है, वो लोग जिन्हें अंधेरे से डर लगता है उनके इस फियर का नाम क्या होता है. अरे वाह रामवीर, आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड, थैंक यू राजपूत, आयुष जी, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. निशे, यस आई कैन सी योर कॉमेंट, वेरी गुड अक्षय तिवारी, क्या बात है. फियर ऑफ डार्कनेस क्या लगता है कि भाई जिनको अंधेरे से डर लगता है उनको क्या होता है, उनको हाफेफोबिया होता है, उनको होता है एक्लियोफोबिया, उनको गैलेटोफोबिया होता है, या फिर उनको एंटलोफोबिया होता है. देर आर सर्टेन काइंड ऑफ फोबियाज जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है जी,
नहीं आ रहे हैं, दोबारा लाइक कर दोगे तो वो अनलाइक हो जाएगा, ठीक है? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या लगता है। सब लोग कह रहे हैं मैम ऑप्शन नंबर ए हमें सबसे ज्यादा इसका आंसर लग रहा है। ओके, तो जिन भी लोगों को इसका आंसर ए लग रहा है, आप लोग बिल्कुल भी करेक्ट आंसर आपने नहीं दिया है। इसका आंसर बिल्कुल भी हैफेफोबिया नहीं होता है जी। नो, फर्स्ट इज नॉट द करेक्ट आंसर, एवरीबडी इज टेलिंग रॉन्ग आंसर हियर। यस, फाइव कुमार, आप जो भी है नाम आपका फाइव कुमार लिखा है, आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट बताया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एक्लूओफोबिया इज द फोबिया जिसमें बंदे को अंधेरे से डर लगता है, जो रात में लाइट जलाकर सोता है, या फिर जिसको डर लगता है वो अकेले कहीं जा नहीं सकता अंधेरे की वजह से। व्हाट इज हैफेफोबिया? देखिए, हैफेफोबिया एक प्रकार का डर होता है जिनको ये डर लगता है कि मुझे कोई छुए ना, मतलब अ फियर ऑफ बीइंग टच्ड। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डर लगता है, जैसे आप देखते हो कि अगर मूवीज वगैरह में जब कोई बहुत बीमार होता है तो वो ऐसे डरता है, नहीं 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 मुझे मत छुओ, है ना। सो दैट इज, व्हाट इज दैट? दैट इज हैफेफोबिया। हैफेफोबिया द फियर ऑफ बीइंग टच्ड, ठीक है। एक्लूओफोबिया इसका आंसर है। व्हाट इज गैलेटोफोबिया? अब देखिए, जो गैलेटोफोबिया होता है वो डर होता है जब लोगों को ये डर लगता है कि कोई मेरा मजाक बनाएगा या फिर कोई मुझ पर हंसेगा। तो इट इज अ फियर ऑफ बींग लाफ्ड एट। अगर किसी को ये डर लगता है कि कोई मुझ पर हंसेगा तो उसको गैलेटोफोबिया होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी अपियरेंस में ये लगता है कि भाई मुझे मेरी अपियरेंस खराब है, अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। कोई बहुत पतला है तो उसे डर लगता है मुझे लोग ये बोलेंगे, कि कोई बहुत छोटा है हाइट का में तो किसी को डर लगता है, कोई बहुत मोटा है। तो ये जितने भी प्रकार के डर होते हैं जहां पर ये लगता है कि कोई हम पे हंसेगा, वो हमारा गैलेटोफोबिया कहलाता है, ठीक है। लास्ट बचा हमारा कौन सा? एंटोलोफोबिया। बहुत ही बढ़िया डर है, ये है फियर ऑफ फूड। ये है जिन लोगों को खाने से डर लगता है, स्पेशली वो लोग जो बहुत ज्यादा डाइट को फॉलो करते हैं, ठीक है जी। सेंटेंस को कैसे समझे मैम? देखिए, सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको टेंसेज आने चाहिए, और दूसरी बात आपको वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए। जब ये दो चीजें आपकी क्लियर हैं तो सेंटेंसेस आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप शुरुआत कीजिए किसी भी बढ़िया से नॉवल के साथ में। आपको अगर लव स्टोरीज पसंद है, आपको आपको एक्शन पसंद है, आपको कॉमेडी पसंद है, आपको सस्पेंस पसंद है, तो वॉट एवर यू लाइक उससे रिलेटेड आप एक नॉवल खरीद लो। एक तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और दूसरा आपको जरूर कुछ ना कुछ हर दिन सीखने को मिलेगा जब जब आप पेज को टर्न करेंगे, ठीक है। इट इज माय ओन एक्सपीरियंस। तो मैंने किस नॉवल से स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्ट किया था आई टू हैड अ लव स्टोरी। ये नॉवल है रविंद्र सिंह की, जो कि उनकी रियल लाइफ स्टोरी बेस्ड है। वहां से मुझे नॉवल्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। ऐसे ही अगर आप लोगों को जासूसी वाली चीजें पसंद है तो आप नॉवल पढ़िए शेरलॉक होम्स। शेरलॉक होम्स उनकी एक वेब सीरीज भी है, बट नॉवल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है, जो कि सच में होता है यार, मैं बचपन से टीचर थोड़ी हूँ, मैं भी तो कभी स्टूडेंट थी, मुझे पता है न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग काम है, तो न्यूज़पेपर के पहले नॉवल से शुरुआत कर लो। जब नॉवल आने लगे तब न्यूज़पेपर पे आ जाना, ठीक है। ऐसे कर लो, मैं आपको कोई भी वो सड़ी हुई सलाह दूंगी ही नहीं जो जैसे मैं नहीं फॉलो कर सकती। अच्छा, आपको एक जल्दी से बात बताती हूँ। एक बार पता है क्या होता है, गांधी जी के पास एक लेडी जाती है अपने बच्चे को लेके, और वो कहती है कि गांधी जी आप इसको समझाओ, ये शक्कर बहुत ज्यादा खाता है। तो गांधी जी कहते हैं अच्छा ठीक है। तो गांधी जी थोड़ी देर सोचते हैं, फिर उसको बोलते हैं काम कीजिएगा, आप इसको 10 दिन के बाद लेकर आइएगा, ठीक है। तो वो कहती है ठीक है, ओके। वो 10 दिन के बाद चली जाती है, 10 दिन के बाद वापस से लौट के आती है। वो कहती है ठीक है, अब आप बता दीजिए, अब 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, आपने 10 दिन का समय क्यों मांगा? वो लेडी क्वेश्चन करती है। तो वो बोलते हैं कि 10 दिन के पहले मैं खुद उतनी ही शक्कर खाया करता था जितनी बुराई आपने अपने बेटे की थी। अगर मैं इसको समझाऊंगा तो तभी समझा पाऊंगा जब वो चीज मैंने पहले खुद पे इम्प्लीमेंट की हो। इसीलिए जब भी आप में से कोई भी ये सवाल मुझसे पूछता है कि मैम इंग्लिश को अच्छा कैसे किया जाए, तो मैं आपको वही तरीके बताती हूँ जो मैंने खुद पे लगाए हैं। इंग्लिश इज लिटरली, इट्स रियली नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ सब्जेक्ट, यू हैव टू डील इट एज अ लैंग्वेज। तो जैसे हिंदी भाषा आपको बचपन से आ गई थी, किसी स्कूल में जाके नहीं सीखी थी, स्कूल में जाके आपने व्याकरण पे काम किया, इसी प्रकार इंग्लिश के साथ भी ऐसा है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ यूपी बोर्ड स्कूल स्टूडेंट। आई एम मतलब माई ऑल बुक्स वर इन हिंदी ओनली एक्सेप्ट इंग्लिश वन। तो एक ये इंटरेस्ट होता है, आपको किसी भी प्रकार से करना है, आपकी मर्जी है, जो भी आपको अच्छा लगे
उस प्रकार से आप इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, दिस इज अप टू यू। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये एक स्टोरी थी, मेरे अगर इंस्पिरेशन मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अ सेक्रेड सॉन्ग और हाइम, इसे क्या कहा जाता है, ठीक है, बताइएगा। कोई बात नहीं, जिन जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात है, जिन जिनका गलत हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, वापस आ जाइएगा। वर्ड मीनिंग किस बुक से, किसी बुक की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वेरी गुड शैलेश यादव। तो क्या लगता है इसका आंसर भाई क्या हो रहा चाहिए, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? एक तो ऐसा कम से कम आंसर दो जो जो सब लोगों का करेक्ट हो, बहुत ही बढ़िया है ये। अगर आप में से कोई भी किसी भी क्रिश्चियन बंदे को जानता है तो इसका आंसर आपको जरूर पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है भाई साम। देखो यहाँ पे पी और एल जो है वो हमारा क्या रहता है, वो साइलेंट रहता है, मुझे पता नहीं जो साइलेंट रहता है वो आता ही क्यों है, आए ना, है ना। तो भाई साम क्या होता है, अब बाइबल के अंदर जो लाइंस लिखी हैं, जो पवित्र बातें लिखी हैं बाइबल के अंदर ह्यूमैनिटी के लिए या फिर जीसस क्राइस्ट के लिए, उन पर्टिकुलर लाइंस को साम कहा जाता है, ठीक है। साम पी और एल इसमें साइलेंट रहता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसमें बाकी के वर्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ सॉट, तो देखिए सॉट का मतलब होता है एक वो व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा पीने की आदत होती है, लाइक जैसे हम लोग बोलते हैं जिसको बहुत ज़्यादा दारू पीने की आदत है, तो यू विल से अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, अ हैबिचुअल ड्रंकर्ड, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आदत है बहुत ज़्यादा पीने की, उसको क्या कहते हैं, उसको सॉट कहते हैं, ठीक है। वट इज़ पायर, पायर का मतलब भाई वैसे चिता होता है, पायर का मतलब चिता या फिर कोई भी डेड रिलेटेड चीज़ हो आपकी पायर। सायरन तो आपको पता ही है, सायरन तो जैसे भाई एम्बुलेंस भी देती है, तो सायरन इज़ अ काइंड ऑफ एक्चुअली नॉइस या फिर उतनी तेज़ आवाज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा लाउड होती है, ठीक है जी। हाँ वेरी गुड, जिन लोगों का करेक्ट आंसर था, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, रिचुअल वॉशिंग को क्या कहा जाएगा। हम लोग जो रिचुअल वॉशिंग, पूजा करने के पहले हाथ मुंह पैर धोना या नहाना, नमाज पढ़ने के पहले हाथ मुंह पैर धोना या नहाना, उसके लिए इनमें से कौन सा वर्ड होगा, अब्रप्ट, असेंचुएट, अब्रिज या फिर अब्लूशन, क्या लगता है आपको? वेरी गुड नेहा मिश्रा, बहुत बढ़िया, हाँ यस राजपूत, आई डू अग्री। राकेश इसमें सेंटेंस को समझने की जरूरत ही नहीं है आपको, सेंटेंस कहाँ दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि रिचुअल वॉशिंग को क्या कहते हैं, अब्रप्ट एब्लूशन, वेरी गुड राहुल वर्मा, मयंक कुशवाहा जी, अकित तिवारी, रुचि कुमारी, अर्जुन सिंह एंड हमारे ये बहुत सारे बच्चों के बहुत स्पीड से आ रहे, रुचि कुमारी वेरी गुड, दोबारा से एक बार और गुड, ओके वेरी गुड। तो इसका आंसर हम लोगों को मिल गया, इसका करेक्ट आंसर है अब्लूशन। अब्लूशन वो हमारा काम होता है जिसे हम रिलीजियसली यूज करते हैं जब हम लोग अपने शरीर को स्वच्छ या साफ करने का काम करते हैं, ठीक है जी, यस वेरी गुड। सो सबसे पहला वर्ड देखते हैं, व्हाट इज अब्रप्ट, देखिए अब्रप्ट का मतलब होता है सडन, सडन मतलब अचानक से जो काम हो जाते हैं उनको अब्रप्ट कहते हैं, ठीक है, अचानक से मतलब अब्रप्टली। असेंचुएट का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, गिव मोर इम्पॉर्टेंस और फोकस टू समथिंग इज कॉल्ड असेंचुएट। मैंने एक बार आपको एग्जाम्पल लेके बताया था, जो कंपनी है एसेंचर, तो दे सेड दैट वी आर एसेंचर, तो असेंचर्स का मतलब है वो कहते हैं कि हमारे जो हमारे क्या है, अरे क्लाइंट हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा क्या देते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या उनके काम पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, इसलिए वो खुद को असेंचर कहते हैं। वॉट इज़ अब्रिज, अब्रिज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा करना, भैया ब्रिज किस काम आता है, ब्रिज काम आता है डिस्टेंस को कम करने के, है ना। सो अब्रिज का मतलब हो जाए किसी भी डिस्टेंस को छोटा करना, शॉर्टन करना या फिर उसको लेसन करना, ठीक है, या फिर उसको डिक्रीज कर देना,
क्लियर है जी, चारों वर्ड समझ में आ गए। अब्ल्यूशन, रिचुअल, वॉशिंग ऑफ द बॉडी, पूजा करने के पहले नहाना, गंगा स्नान करना। अब्रप्ट का मतलब है अचानक, असेंचुएट का मतलब है ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अब्रिज का मतलब है काट छाट के छोटा करना, ठीक है, या फिर डिस्टेंस को कम कर देना, राइट। चलिए, शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससकेप्टेबिलिटी टू ब्राइबरी, मतलब आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो आपको ब्राइबरी, ब्राइबरी मतलब ब्राइब क्या होता है, ब्राइब का मतलब क्या होता है, जो आपको ब्राइब से रिलेटेड वर्ड हो वो आपको बताना है। अतुल सिंह, वेरी गुड। ओहो मान माम बोनू, ये तो बहुत सैड न्यूज है कि इस समय तक नेट खत्म हो जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ओके, अभी तक ये ऐसा पहला क्वेश्चन बन गया है जिसका जवाब सबने सही दिया, आदर्श ने छोड़, बट आदर्श ने गलत दिया। आदर्श यार, तुमने क्यों किया ऐसा? वेरी गुड, सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर अधिकतर सबने सही दिया, ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर, वेनल। देखिए, वेनल का मतलब होता है भ्रष्ट, ठीक है। अगर कोई ब्राइब लेता है, अगर कोई घूस लेता है, तो भाई वो कैसा काम कर रहा है, वो करप्ट काम कर रहा है, इसलिए करप्शन से रिलेटेड वर्ड होता है आपका, कौन सा वर्ड होता है आपका यहाँ पे, वेनल। देख लेते हैं कि इसके बाकी के मीनिंग्स क्या है ना। वॉट इज डेंडी, देखिए डेंडी का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत जिसको बहुत ज्यादा कंसर्न जो नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग डेंडी कहते हैं। अ मैन अनड्यूली कंसर्न विद लुकिंग स्टाइलिश, राइट। तो जिसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है वो कैसा दिख रहा है, बट उसको अपनी चीजों के प्रति उतना ज्यादा कंसर्न नहीं होता है, उसे अपने लुक और स्टाइल से बहुत ज्यादा मतलब होता है, ठीक है। व्हाट इज कॉय, कॉय का मतलब होता है हम्बल या फिर विनीत जिसे हम कह देते हैं, या फिर जिसे हम विनम्र कह देते हैं। क्रीक का मतलब होता है कोई भी एक छोटी सी, जो जैसे हम लोग नाली कह देते हैं, या फिर छोटी सी हम उसे नदी कह सकते हैं, उसे हम लोग क्रीक कहते हैं, ठीक है, कोई छोटी सी नाली या फिर छोटी सी नदी को हम लोग क्रीक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 8। पर्टिकुलरली गुड, स्किलफुल, इफेक्टिव एंड स्टाइलिश, इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो इन सारी क्वालिटीज को बता रहा है? पार्ले का बिस्किट, ट्रस, निफ्टी, हिप्पी। नो प्रॉब्लम शेख पिरामद जी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस जितने लोग देख रहे हो यार एक बार जल्दी से लाइक कर दो, लाइक तो बनता है, मैं नहीं खेल रही आपके साथ। या कोई को शर्मिला कहा जा सकता है। चलिए, वेरी गुड, तो भाई आंसर्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। दीपचंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। वेरी गुड, जो लोग ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निफ्टी का मतलब होता है स्किलफुल या फिर गुड, निफ्टी का मतलब होता है स्किलफुल या फिर गुड। पार्ले का मतलब क्या होता है? पार्ले का मतलब होता है अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन अपोजिट साइड्स इन अ डिस्प्यूट, जब दो लोग झगड़े में हैं उनके झगड़े के ऊपर बात करने के लिए जो कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है या जो कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको पार्ले कहते हैं, पार्ले, ठीक है। तो आप इसको पार्लियामेंट से आते हैं ना, पार्लियामेंट में क्या होता है भाई, सब लोग अपने अपने विवाद, अपने अपनी बातें रखते हैं, जहां पर लड़ाई झगड़े ज्यादा हो जाते हैं ना। व्हाट इज ट्रस्ट, देखिए ट्रस्ट का मतलब होता है जैसे आप देखते हो ना कि भाई जैसे मतलब मुझे हिंदी में तो नहीं पता, लेकिन जैसे अधिकतर आपके ब्रिजेस होते हैं, ब्रिजेस, जब लोहे का कोई भी ऐसे फ्रेम बनाया जाता है, लोहे का कोई भी फ्रेम बनाया जाता है, जैसे वो कभी कभी आप देखते हो कि क्रेन्स वगैरह जैसे यूज होती है, तो क्रेन आपका आ जाएगा, ब्रिज आ जाएगा, मतलब कोई भी लोहे का ऐसा फ्रेमवर्क जिसको यूज किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए, तो वो चीजें हमारी ट्रस कहलाती है। सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ आयरन विच इज यूज टू लाइक काम को आसान करने के लिए, जो हमारा यूज होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हिप्पी। हिप्पी क्या होता है? हिप्पी इज लाइक बहुत ही अलग सा जो तरीका होता है रहने का, उसको हिप्पी कहते हैं। आप याद करना, अनकन्वेंशनल अपीयरेंस, जैसे बोहेमिया होता है ना, बोहेमिया क्या होता है? बोहेमिया इज रहने का एक अलग से स्टाइल को बोहेमिया कहते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट,
फियर ऑफ फेलियर, जिनको फेल होने से, जिनको असफल होने से डर लगता है उसे क्या कहते हैं? म्यूजोफोबिया, हेमेटोफोबिया, अटाइशिफोबिया, एपिफोबिया. टी बालियान जी, बहुत बहुत शुक्रिया. हाँ यस, स्टेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ट्रस्ट. तो जो लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है. नो, इसका करेक्ट आंसर है हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही. अटेशियोफोबिया इज द करेक्ट आंसर. बाकी के वर्ड्स को भाई हम लोग जान लेते हैं. वॉट इज म्यूजियोफोबिया? तो देखो आप इसको यहीं से याद रखना. माउस क्या होता है? माउस इज चूहा या माइस. तो जिसको फियर ऑफ माइस होता है ना, वो हमारा कहलाता है क्या? म्यूजोफोबिया. मैंने एक बार पहले बताया भी है ये वाला, ठीक है. सेकंड जो हमारा वर्ड है हेमा, तो देखो हेमा को आप हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन है ना, तो आप इसको हीमेटोफोबिया याद रखना. तो जिन लोगों को ब्लड से डर लगता है ना, ब्लड से, खून से, उन लोगों को क्या होता है? उन लोगों को हीमेटोफोबिया होता है. आप इसे हीमोग्लोबिन से याद रखना, हीमोग्लोबिन से. आप इसे, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड. तो जिन लोगों को ब्लड से डर लगता है, पिक्चरों में बहुत होता है मुझे खून से बहुत डर लगता है ना, ऐसे विलन बहुत बोलते हैं. एपिफोबिया कोई फोबिया नहीं होता, इट इज जस्ट अ स्लैंग वर्ड. ओके, ठीक है जी. तो हमारा कौन सा वर्ड हो जाएगा यहाँ पर? हमारा एटिशिफोबिया हमारा वर्ड है, जो यूज होता है जिन लोगों को फेल होने से डर लगता है. ठीक है जी, आगे बढ़ लिया जाए. आगे बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं. टू ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी टू सीज, वर्ड सेंटेंस इन द क्वेश्चन. आपको बताना है कि ऐसी कौन सा इनमें से वर्ड है जो ये बताता है कि किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है. सिनेक्योर, मर्सिनरी, मोनोपोली या फिर कॉन्फिसेट. ओके, चलिए चेक कर लेते हैं. देखिए व्हाट इज सिनेक्योर? सिनेक्योर इज अ वेरी गुड वर्ड. जनरली पहले लोग गवर्नमेंट जॉब को सिनेक्योर वाली जॉब सोचते थे. इसका मतलब होता है जहां पर आपको आपको पे बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन आपको काम नहीं करना पड़ रहा है. जहां पर बिना काम के आपको बहुत अच्छा वेतन मिल रहा हो, उस व्यक्ति को सिनेक्योर कहा जाता है. ये उस पर्टिकुलर जॉब को सिनेक्योर कहते हैं. ठीक है जी. व्हाट इज मर्सिनरी? मर्सिनरी इसका एकदम क्या होता है, लाइक आप ये कह दो कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मनी ओरिएंटेड होती है, लाइक इसका ही आप एक तरीके से सिनोनियम कह सकते हो. तो अगर कोई भी बिजनेस है, कोई भी चीज़ है जो एकदम मनी ओरिएंटेड है, कोई भी प्लान है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मर्सिनरी कहते हैं. ठीक है. व्हाट इज मोनोपोली? मोनोपोली का मतलब है जब किसी भी चीज़ में किसी भी एक व्यक्ति या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर चीज़ का ये मिल जाता है कि भाई आप ही इस काम को कर रहे हो, तो उन लोगों की वहाँ पर क्या मोनोपोली बन जाती है. ठीक है. एंड कॉन्फिसेट क्या होता है? कॉन्फिसेट इसका आंसर होता है. और क्या होता है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है जी, करेक्ट है. आगे बढ़ लिया जाए. या फियर ऑफ बर्ड्स, कॉन्फिसेट. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर. एक्सीडेंटल गुड फॉर्च्यून, जब किसी को बहुत लकीली कोई भी चीज मिल जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? जब किसी को लकीली, लाइक बाय लक किसी के साथ बहुत अच्छा हो जाए, तो उसको क्या कहा जाएगा? अल्ट्रुइस्ट, फ्लूक, एक्सपोगेट या फिर प्रोपेंसिटी. वेरी गुड सर, स्टेनोग्राफर का काम यहीं से चल जाएगा. ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चेक कर लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या होगा. एक तो जितने लोग देख रहे हो यार, एक बार लाइक तो बनता है ना, जल्दी से लाइव चैट के ऊपर जाइए और क्या कर दीजिए, सभी लोग मिलकर एक बार लाइक कर दीजिए. देखिए चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है हमारा फ्लूक. फ्लूक कोई भी ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता, लेकिन लकीली आपके साथ में वो चीज अच्छी हो जाए या बहुत बढ़िया प्रकार से आपका भाग्य जाग जाए. ठीक है, जैसे आप बोले कि भाई मेरा तो मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, या मुझे A+ ग्रेड मिला. सो दैट वॉज अ फ्लूक इंसिडेंट विद मी. ठीक है,
एल्ट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है जी परोपकारी. क्या होता है? परोपकारी होता है. ठीक है. एक्सपर्गेट का मतलब क्या होता है? एक्सपर्गेट आपने सुना होगा ना कि भाई जैसे जैसे कि सेंसर बोर्ड ने बहुत सारी मूवी में ना सेंसर बोर्ड क्या करता है, बहुत सारे सीन्स या बहुत सारे डायलॉग्स को काट देता है. सो एक्सपर्गेट का मतलब यही होता है जब किसी के स्पीच या किसी के किसी भी सीन से कुछ चीजों को काट दिया जाए तो उसको एक्सपर्गेट बोलते हैं. ठीक है. तो सेंसर करना या फिर सेंसर बोर्ड जो काम करता है उसको एक्सपर्गेट कहा जाता है. राइट. स्पेशली इसका यूज होता है किसके लिए? टेक्स्ट के लिए. व्हाट इज प्रोपेंसिटी? तो प्रोपेंसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी, किसी भी काम को करने की क्षमता को प्रोपेंसिटी कहते हैं. राइट. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की. प्रोवाइडिंग रिलीफ, किसी भी प्रकार की राहत पहुंचाने के लिए कौन सा वन वर्ड यूज होगा? एरुडिशन, रिप्राइव, ऑबिचुरी या फिर नोवाइस? हाँ, कल क्लास होगा. कल क्लास कितने बजे होगा? कल क्लास आपकी 12 बजे होगी. ठीक है. 12 PM 100 प्लस एरर डिटेक्शन करेंगे. ठीक है. चलिए चेक करते हैं कि भाई इसे क्या कहा जाएगा. प्रोवाइडिंग रिलीफ, रिलीफ समझो मतलब जब किसी को किसी भी प्रकार से क्या किया जाए, उसको मुक्त किया जाए. ठीक है. हाँ, मुक्त किया जाए, उसको रिलीफ किया जाए. देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये हमारा होगा रिप्रीव. इसका पता है ज्यादातर यूज किस में करते हैं? जब किसी के पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है ना, जब किसी के पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है या किसी की सजा से उसे मुक्त कर दिया जाता है तो उसको रिप्रीव कहते हैं. ठीक है. माना कि भाई किसी को फांसी की सजा थी बट बाद में उसे कम करके क्या 20 साल का कर दिया गया, तो उसकी सजा को क्या कर दिया गया? उसको भाई रिलीफ प्रोवाइड करा दिया गया. दैट इज रिप्रीव. व्हाट इज एरुडिशन का मतलब? आप इसे एडुकेशन से याद कर लीजिएगा. एडुकेशन का मतलब होता है शिक्षा या फिर पढ़ाई, जिसमें हम लोग लर्निंग करते हैं. ठीक है. तो सीखने का जो काम होता है उसको एरुडिशन कहते हैं. ऑब्चुरी का मतलब होता है भाई मृत्यु संबंधित, जैसे ऑब्चुरी लीव होती है जो किसी की डेथ के वक्त पर ली जाती है. नोवाइस का मतलब होता है न्यू या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ज्यादा स्किल्स या चीजों के बारे में पता नहीं होता है. ठीक है जी. करेक्ट है. नोवाइस का मतलब होता है न्यू या जिसको ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता होता है. क्लियर है. आगे बढ़ जाते हैं. 13th, टू कट ओपन एंड एग्जामिन, मतलब आपसे बात करें स्पेशली डॉक्टर्स जो करते हैं पार्ट को कट करना और उसे चेक करना, उसे क्या कहा जाता है? डिस्क्वाइट, डिसेक्ट, डिस्कम्फर्ट या फिर डिडेक्टेड? वेरी गुड. हाँ, नो सिखिया. वेरी गुड. नोवाइस मतलब नो सिखिया या फिर नया. वेरी गुड. बिगिनर, बिगिनर कह सकते हो आप. चलिए बहुत बढ़िया भाई, चेक कर लेते हैं इसका हमारे करेक्ट आंसर क्या होगा. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. सचिन रूपाला, शुभम तिवारी, अर्जुन एंड और जितने भी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर डिसेक्ट है. एब्सोल्युटली करेक्ट. डिसेक्ट का मतलब होता है किसी भी पार्ट को, स्पेशली बॉडी पार्ट को काट के खोल के उसे एग्जामिन करने को क्या कहते हैं? उसको डिसेक्ट कहते हैं. ठीक है. तो व्हाट इज डिस्क्वाइट? डिस्क्वाइट का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ वरी. अ फीलिंग ऑफ वरी को क्या कहते हैं हम लोग? डिस्क्वाइट कहते हैं. तो लाइक चिंता होने वाली जो महसूस जो हमें होता है उसको हम लोग डिस्क्वाइट कहते हैं. डिडेक्टिक नहीं है इसका आंसर. अके तिवारी, इसका आंसर है डिसेक्ट. ठीक है जी. ठीक है, डिसेक्ट इसका आंसर. ठीक है. तो व्हाट इज डिस्कम्फर्ट? इसका मतलब होता है जो किसी को अनईजी फील कराता हो. जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई उसकी बात से मुझे बहुत ज्यादा वहां पर अनकंफर्टेबल फील हुआ या मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हुई, तो उसको डिस्कम्फर्ट बोलते हैं. मतलब हु मेक फील अनईजी, किसी के लिए ऐसी बात बोलना या ऐसा काम करना कि उसको वहां पर अच्छा ना लगे. ठीक है. डिडेक्टिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो एडुकेशनल होती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड चीजों को हम लोग डिडेक्टिक बोल देते हैं. जैसे आपसे डिक्शनरी से रिलेट करना. ठीक है जी. डिक्शनरी से. हाँ, बायोलॉजी में आपने डिसेक्ट बहुत पढ़ा होगा क्योंकि भाई आपकी बायोलॉजी की ही टर्म है. ठीक है. आगे बढ़ लिया जाए तो भाई डिस्क्वाइट अ फीलिंग ऑफ वरी, डिसेक्ट हमारा किसी भी पार्ट को काट के खोल के एग्जामिन करना, डिस्कम्फर्ट किसी को ऐसा महसूस कराना कि उसे वहां पर अच्छा ना लगे, डिडेक्टिक कोई भी चीज जो शिक्षा से संबंधित हो. ठीक है.
जी, तो देखिए आपको बता दें, आपके नेक्स्ट वर्ड के पहले अगर आपने कोई भी बुक खरीदनी है या अगर कोई भी स्पीड टेस्ट आप लेना चाहते हैं, क्योंकि और देखिए बहुत सारे क्लासेस भी हमारे वहाँ पे चल रहे हैं, जैसे कि SSC CGL का मेरा ही बैच चल रहा है या मेरा भी डिस्क्रिप्टिव बैच भी आने वाला है जो बच्चे Tier 3 के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो Y172 लगाने के बाद आपको वहाँ पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। ऑफ 70% का भी चल रहा है, बट वो सिर्फ बड़े प्रोडक्ट्स पर है अगर आप पूरा का पूरा पैकेज खरीदते हो। लेकिन अगर आप बुक्स खरीदते हो, अगर आप मेरी क्लास खरीदते हो या अगर आप स्पीड टेस्ट लेते हो, जो कि देखिए आपको ज़रूरत होगी, तो आप वहाँ पर कोड लगाइएगा Y172 और आपको पर्टिकुलर चीज़ पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी। SSC के लिए बुक इस देखिए ASSC की बुक है। क्या है? ASSC की बुक है जो आपको कहाँ मिल जाएगी? store.adda247.com पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। तो भाई ये क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आपको करना है होमवर्क में, जल्दी से आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आपसे पूछ रहा है द आर्ट ऑफ प्रीचिंग और राइटिंग सर्मन्स, उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब भाई आपको देना है कहाँ पर? आपको देना है होमवर्क में। सर्मन्स क्या होता है? सर्मन्स का मतलब होता है उपदेश, इसका मतलब होता है उपदेश। ठीक है, और पहला मिल गया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे देंगे कहां पर? आप मुझे देंगे इसका आंसर हमारे किसमें? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। जो बच्चे बोलते हैं नाइस एक्सप्लेनेशन, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग डेली आते हैं। बट यार बस आपको एक काम करना है क्या, कि हर दिन के सेशन को कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ में शेयर किया करो, वोकैबुलरी वाला तो जरूरी कर दिया करो। ठीक है, चलिए अगली क्लास आपके रीजनिंग की है, आपको यहाँ पर देख के आपको सारी क्लास को लेना है। और कल आपसे मैं मिलूंगी कितने बजे? 12 बजे। तो 12 बजे हम लोग 100 से ज़्यादा एरर डिटेक्शन करेंगे, साथ ही साथ उनके रूल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं आपसे बाद में कल को। टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं पहली बार SSC एंड रेलवेज के लिए धांसु मैथ स्पेशल लेके आ रहा हूँ, जो होगा पेड लाइव बैच। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, 200 घंटे की लाइव क्लास और 5000 प्लस क्वेश्चंस। क्या होगा सिलेक्शन का प्लान? जिसमें मैं आपको करवाऊंगा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ डाउट क्लासेस, जिसमें आपको प्रोवाइड होंगी ई बुक्स और PDF। आज ही ज्वाइन करिए मेरा मैथ स्पेशल बैच, यूज करें मेरा प्रोमो कोड Y167 और पाए भारी डिस्काउंट।